साईं बाबा के दर्शन का दिन। अब हम जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। ये नीचे करने पर एक्चुअली क्या लाइट आंखों पे ऐसे आती है, यूं कर लेते हैं, यूं बनाते हैं ब्लॉग तो सही बनेगा। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:56। गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र और साईं बाबा के दर्शन का दिन। और अभी उठे हैं, थोड़ी बहुत देर मुंह फूह धोया है, चाय के लिए ऑर्डर कर दिया, चाय आ रही है। कमरे का हाल बेहाल है, सब जगह सामान फैला हुआ है, आप जैसा देख सकते हो, ये देखो सारा सामान फैला हुआ है। और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब हमारे पीछे, गुड मॉर्निंग। और एक्चुअली बात यह है कि डाटा ट्रांसफ़र पर लगा दिया है, आप जैसा देख रहे हैं कि डाटा ट्रांसफ़र लगा दिया। रात को तो बता ही दिया था मैंने, कल किया ही नहीं, सुबह आते ही आते डाटा ट्रांसफ़र पर लगाया है। और पूरा डाटा कॉपी करेंगे। और युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक में दो इशू आ गए हैं, एक तो चैन में प्रॉब्लम है, एक टायर बदलवाना है। सबसे अच्छी बात कि भाई साहब हमारे टायर संग लेके आए हैं। वो एक्चुअली क्या, मैंने कहा इतना टायर तो है कि आपको शिरडी पहुंचा दे, तो वहीं जाके बदलवाएंगे। तो टायर लेके आए, टायर बदलवाएंगे, रॉयल इनफील्ड शोरूम जाएंगे, अपनी बाइक भी दिखवा लेंगे। कोई नट पर रास्ते को मैंने आपको दिखाया था कल, रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और आई होप कि आपको कल का वीडियो पसंद आया होगा, और कल के वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो और आज की वीडियो में कुछ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डाटा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, चाय आ रही है, चाय पियेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। फिर जब तक डाटा ट्रांसफ़र होता है अपने औजारों को साफ़ कर लेते हैं। जी हाँ, इतनी धूल थी, इतनी भयंकर धूल थी कि सारे कैमरे वैमरे सब में धूल भर गई है, तो इनको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो आपको, मेरे को आप तक पहुंचाते हैं, और ये सबसे प्यारे हैं, मेरे दिल के पास हैं, तो इनको साफ़ करना ज़रूरी है। हम जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड शोरूम, हमारे युधिष्ठिर भाई साहब के दो काम करवाने, एक तो चैन का इशू है, चैन दिखवाएंगे, और उसके अलावा टायर बदलवाना है उनका। है पहली बार शिरडी की सड़कों पर बाइक चला रहे हैं, तो देख लो जी, ये है शिरडी, चारों तरफ होटल 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 होटल। अच्छा, होटल ज़्यादा महंगे नहीं है एक्चुअली, 1500 रुपये में दो रूम थे, 750 रुपये में एक रूम था। तो सूचना जनहित में जारी, आराम से ले लीजिएगा कभी शिरडी आना हो तो। मैं मौसम अपडेट देना भूल गया आपको, इस समय दिसंबर में, 24 दिसंबर को हम शिरडी में हैं, और हमारे राजस्थान में ठंड है और यहाँ गर्मी है। आपको गर्मी लगेगी, पंखे चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये मौसम अपडेट है। धूप है लेकिन हाँ, ऐसी भी गर्मी नहीं है जो चुभ जाए, और ऐसी ठंड भी नहीं है कि लग जाए, तो बात यही है। और साहिल और हरेंद्र भाई साहब को हम रूम पर छोड़े आए हैं, मैंने आप, वो लेट भी उठे थे, मैंने आप डाटा ट्रांसफ़र वगैरह करो और तब तक हम रॉयल फील्ड पर अपना काम करवाए आते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि 2 बजे से दर्शन है, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो ये है दिक्कत। बाइक की सर्विस वो करवानी है, एक तो टायर बदलवाना है, एक इसके चैन में प्रॉब्लम है। हाँ, बस इसमें दो ही काम है, सर्विसिंग करवानी। सर्विसिंग नहीं करवानी, खाली एक तो चैन में आवाज़ आ रही है, राजस्थान से आए हम, और एक इसका पीछे का टायर बदलवाना है। टायर एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, घिस गया है, तो बदलवा ले दे। नहीं तो ये यही हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, कितनी देर में हो जाएगा? एक आधे घंटे में। हाँ, करो। बाइक सर्विस के लिए दे दी है, और हमारे भैया, ये एक्चुअली क्या है, ये हम आए हैं रॉयल इनफील्ड कराची वाला पर आए हैं सर्विस कराने के लिए। पीछे हवा नहीं है, बिल्कुल टायर चेंज होगा, 2 बार हवा भी डाली थी, लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम है। पहले टायर चेंज कर रहे हैं, टायर खुल चुका है, और बाइक की स्थिति देख लो, खोल के पटक दी है बेचारी हमारी बाइक। और हमारे 3 भाई लगे हुए हैं यहाँ पे टायर को बदलने पे। अभी एक्चुअली क्या, ये आउटलेट है और यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है। अभी भैया से पूछ रहा था मैं, इनके जो ओनर हैं उनके कम से कम 5 से 6 शोरूम हैं जो औरंगाबाद और शिरडी और आसपास के एरिए में हैं, तो ये इस पर रश कम रहता है एक्चुअली। इधर नहीं हुई लोगों के पास ज़्यादा बाइक, तो अभी यहाँ स्टाफ ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा आउटलेट है। लेकिन अपने को ये फ़ायदा हो गया है, एक तो भीड़ नहीं है, सर्विस अकेले की हमारी की हो रही है, तो आराम से हो जाएगी। और इन भाई साहब को देख लो आप, ये हमारे लिए चाय लेके आए। मैं इनसे कह रहा हूँ चाय तो बहुत शानदार है, एक नंबर चाय है, लेकिन कप छोटा है, कप बड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली मैं आपसे कई बार कह रहा हूँ कि जब से हम राजस्थान में चले और यहाँ तक आए, चाय हमको हर जगह बहुत बढ़िया, और ये वास्तव में उसमें से एक है चाय। तो क्या नाम है?
कमलेश जी के लिए थैंक यू कि उन्होंने हमको इतनी शानदार चाय पिलाई। कप छोटा है लेकिन चाय मस्त है, कोई बात नहीं, इतने से भी काम चला लेंगे। उनके लिए थैंक यू। बाइक हो गई है कंप्लीट और टायर बदल चुका है, चैन परफेक्ट है, बाकी का चैन ल्यूब चैन क्लीन हम कर लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, एक बज चुका है, 2 बजे दर्शन लाइन में हमें लग रहा है। और इस शोरूम के बारे में बताऊं तो ये है अपना कराची वाला शोरूम है रॉयल इनफील्ड का, और ये जो मंदिर है ना वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इमरजेंसी में आप आराम से यहाँ पर सर्विस करवा सकते हो। बेसिकली आउटलेट है, सर्विस सेंटर नहीं है ये, फिर भी इन्होंने छोटा मोटा कोई काम हो तो ये कर देते हैं। बाकी यहाँ का स्टाफ बहुत शानदार है, मैं आपको एक बार स्टाफ से मिला देता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ऋषिकेश जी हैं, ये यहाँ पर मैनेजर हैं। ऋतुराज जी हैं, ये भी यहाँ पर सेल्समैन हैं, और इनसे भी आप अच्छे बात करके अपनी सर्विस करा सकते। एक्चुअली नेचर इनका बहुत शानदार है। सूरज, ये सूरज भैया, और वो रवि, वो यहाँ पर मेन टेक्नीशियन है। तो सर्विस बहुत शानदार है, अच्छी तरीके से इन्होंने बाइक को चेक कर लिया है, राइड करके देख लिया है, और क्लच वगैरह भी सही सेट कर दी है। हमारे युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक हो गई है ओके, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो थम्स अप इस कराची वाला शोरूम के लिए, रॉयल इनफील्ड के लिए। सर्विस बहुत शानदार है, सेल्स आउटलेट है, सर्विस हमारे लिए बहुत अच्छी थी। उन्होंने, हम इतनी दूर से आए परेशान हो जाते हैं, और हमें रात को गोवा निकलना है, 20 घंटे की लगभग राइड है, उससे पहले बाइक का सही होना बहुत जरूरी था। एक्चुअली अब हम जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने, और नंबर गेट 1 से है, 2 बजे से हमारी एंट्री है, तो शायद वहाँ पर मोबाइल अलाउ है या नहीं है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मोबाइल को बंद कर देंगे अभी बाद में थोड़ी देर में, अभी तो यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन हाँ 2 बजे से दर्शन थे, टाइम पर पहुँच गए हमारे युधिष्ठिर भाई साहब और हमारे साहिल भाई साहब और पीछे हरिंदर भैया। चलिए, तो 2 बजे से दर्शन है, तो मैंने किसी से पूछा था कि 10-15 मिनट में फ्री हो जाएंगे अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर रखी है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और मैं तो भैया रात को सोया तो था, लेकिन सुबह उठने के बाद अब नहा धो के फिर ऐसी नींद आ रही है, बस पूछो मत। तो ठीक है, अब क्या करें, दर्शन करके एक बार कोशिश करेंगे कि 1 घंटा रेस्ट कर लें, क्योंकि रात को बाइक चलानी है। मोबाइल हो गए जमा, तो आज हम भैया की दुकान पे मोबाइलों को जमा करके जा रहे हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो ब्लॉग नहीं बनेगा। लौट के आएंगे फिर आपको बताएंगे क्या करना चाहिए दर्शन के लिए। तो अभी मोबाइल को जमा कर देते हैं, फिर यहाँ से अब निकलेंगे, दर्शन में लगेंगे। और ये हमारे भाई साहब हमको गाइड करते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बता दिया मोबाइल अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है, चुपचाप यहाँ जमा करा दो, तो जमा कर रहे हैं अच्छे बच्चे। चुपचाप ने बोला सर जी, चुपचाप ने बोला। दर्शन हो गए कम्प्लीट, और एक्चुअली मंदिर में कोई मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, और इसके बारे में मैं एक लेटेस्ट अपडेट आपको ये दे देता हूँ कि इस मंदिर में जितनी बाहर दुकानें हैं आपको वहाँ से कुछ नहीं लेना है, ले जाना है, क्योंकि एक्चुअली जो ये चादर वगैरह चढ़वाते हैं वो यूज़लेस है। अंदर जब हमने चादर वहाँ जमा करवाई तो मना कर रहे थे, आप कुछ भी मतलब ये सब फालतू चीज़ें, प्रसाद इवन कुछ काम का नहीं है, आपकी कोई चढ़ावा नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। और आप अपने घर से लेके आओ कुछ भी जो भी है, और घर से आए अपने लिए आए तो सीधा डोनेशन करें, तो डायरेक्टली जाकर आप उसकी रसीद लेके। तो ये था अपडेट इसका, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में प्रिकॉशन रखें, थोड़ा कॉन्शियस रहें कि फालतू की चीज़ों से बचें। मुझे टाइम हो गया 2:40, और हमने थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मंगा लिया है, क्योंकि अब यहाँ से खा के फिर सीधा गोवा निकलेंगे। और मंदिर का सीन एक बार थोड़ा सा फिर बता देता हूँ मैं, मंदिर में आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली किसी काम का नहीं है, प्रसाद इवन नहीं लेना है, चादर देते हैं कोई मतलब का नहीं, 1100-1100 रुपये का चूल, उससे बढ़िया है आप उसको डोनेट करें, उसकी आपको रसीद भी मिलेगी, फालतू की चीज़ों में ना पड़े। तो और एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, आप ऑनलाइन बुकिंग करवाइए तो आपका नंबर भी जल्दी आ जाएगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और पास लेके आओ और आराम से दर्शन करो और मजे लो। कुछ नहीं है बाहर को अलग से प्रसाद दे सकते हो आप घर ले जाने के लिए, इसके अलावा फालतू की चीज़ों में पैसा वेस्ट मत करना, डोनेट करना। तो ये बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस मंदिर के लिए, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 6-7 घंटे से कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको। हाँ, हो सकता है अगर यहाँ पे आके आप बुकिंग कराओगे तो आपके 1-1.5 घंटा खर्च हो जाए, अदरवाइज़ कोई टाइम नहीं है। अब आप देखो क्या बनाया है, थाली सिस्टम है यहाँ पे, वैसे तो थाली सिस्टम साहिल की चॉइस, लेकिन मस्त चॉइस नंबर 1। और 2 पंजाबी थाली है, 1 साउथ इंडियन थाली है, और ये सुमर थाली है, ये सुमर, ये साउथ इंडियन, और हमारे भाई साहब युधिष्ठिर भाई साहब और भाई साहब पंजाबी थाली। तो अब खाते निकलते हैं यहाँ से, होटल से निकल चुके हैं और अब सीधा गोवा के लिए जा रहे हैं, और मैप लगा लिया है गोवा, और गोवा यहां से दिखा रहा है 638 किलोमीटर, 12 घंटे का सफ़र।